কক সারিকা তিন দফান্তে কক সারিকা কিন্তু আনখা খাই যে চুনু চিনি প্রবলেম তো তিন কাছে কক সারি যে আম আম মনে খাই বুই পাম খাই ফরান ছাই আনি যে প্রবলেম তো মনি তিন কি প্রসাদ দফানি তোমার প্রবলেম তো মনি মনো ভাই কি সলিউশন খেনা 18 তারিখে সালাইনে প্রবলেম আরে লেট মি ফিনিশ আপ प्रेसिडेंट बरम गनां चारकुमात्री गुरा कलमका दिन चंगीरो प्रेस मीट खायनाबागै चंगीरो दिन माकुथम जालायखा थांनाय 15 अक्टोबर आगतलानि मानिक्य पुरदियो তিনি বহুগ্রা নিয়ে কবক মুম্বাই হসম বুজন নিয়ে যে পান্ডা তিনি ত্রিপুরা হাস্তে নিয়ে 19টা যে জনজাতি দফা অ দফা নিয়ে কমিউনিটি লিডার উন্নতি হয় শ্রী সিতিনী সিমিন বিশি ব্রম ব্রম মহায় দশমিনী দিন দুর্গা পূজা নিয়ে অসামতে নিয়ে দশমিনী দিন বহুগ্রার সমাজপতির উন্নতি মাই চালাইও এবং বিনি হাস্তে গান হামিয়া চাইয়া চালাইও অমাখিন পরম্পরা ফাইমানি 1944 লাস্ট হসম বুজন খাই জায়গা মহারাজা বীর বিক্রম ভাই অগ্নিপুরীয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে ও দারাবাহিন লারক মালিয়া এরপরে ত্রিপুরা নিয়ে যে রাজতন্ত্র ভারত সরকার মার্জারমন করেও এত বছর ও ধারাবাহিক অ্যাকচুয়ালি যে মতলব উনোনে যে মিসবিহেভ কিয়া ওয়েসা থা কি হাম লোগ নে ভিডিও ফুটেজ দেখা আর হামার পাস মোবাইল মে ও ভাইরাল হো চুকা হ্যায় সবকে পাস হ্যায় ও সবকে পাস হ্যায় জেসে হামারে ত্রিপুরা সমাজ কা যে নারায়ণ বাত কর রহে থে তো বীচ মে উনোনে কুছ अपना दफा का जो समस्या है वो उठाना चाहा तो बीच में बात हुआ नहीं नहीं आज नहीं 18 तारीख वो आवाज़ किसके है वो सभी को पता है। दूसरा बात फिर जब नारायण ने बात शुरू किया तो उन्होंने बोला क्या विद इन 1 मिनट यानी कि 1 मिनट के अंदर आपका बात ख़त्म करो तो आप किसी को समय दे रहे हो 5 मिनट कोई बात कर रहा 8 मिनट और हमारे समाज के जो लोग हैं जो नारायण है सर्वसर्वा उनको आप बात करने में सिर्फ 1 मिनट का समय दे रहे हो तो वो आवाज़ मिस्टर कमल कलेकर जी का है। और दूसरा मैं हमारे जो महाराज है उनसे एक बात कर मतलब मैसेज मेरा तरफ हम लोग की तरफ से है हजम बुजन जो है वो तो उसमें कोई पार्टी नहीं है कोई कलर नहीं है वो जैसे हम लोग ने पहली बात है वो 19 दफ़ा जो 19 जनजाति है हमारे त्रिपुरा राज्य का वो हर साल में पहले मनाते हुए आ रहे थे महाराजा लोग तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो रिलेशन है हम लोग का आपस में रिलेशन तो मजबूत होता है तो उसी को आपने फिर अपना यहाँ बहुत मतलब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बार जो हजम भजन हुआ है उसमें ज़्यादातर देखा गया कि सबको पार्टी का ही लोग है तो कौन सा पार्टी का वो आपको पता है तो अगर समाज का कोई कार्यक्रम है उसमें अगर पार्टी के लीडर्स लोगों को जगह ना दे ही तो अच्छा है क्योंकि वो आपका समाजपतियों का प्रोग्राम था वो पार्टी का प्रोग्राम नहीं था तो उसमें समाजपतियों को बुला के पार्टी का लीडर्स लोगों को आप उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो तो मतलब वो एक कलर हो जाते कि आप किस कलर का वो कर रहे हो तो जो आपका व्यू है जो आपका सोचना है वो बहुत ही बढ़िया बहुत मैं पहले बता रहा हूँ कि मतलब बता चुका हूँ कि आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने वो चीज़ सोचा है जो पहले बीच में वो गायब था आपने सोचा है लेकिन इस बार का वो थोड़ा बहुत खराब तो हुआ ही है आपने जो मतलब लीडर्स लोगों को जो ऐड किया है और लीडर्स के द्वारा समाजपतियों का जो अपमान हुआ होना था अपमान हुआ है वो तो मतलब बहुत ही बुरा हुआ है तो कृपया आप भी उस पर थोड़ा नज़र दे तो अच्छा है। ये चीज़ मैं पर्सनली मैं महाराज जी को ही बोल रहा हूँ हमारे जो महाराज है उनको बोल रहा हूँ कि आप भी थोड़ा उस पर ध्यान दे तो अच्छा है। थैंक यू।